हेलो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है वाटर की कंडक्टिविटी मेजर करना। जो वाटर है उसका कंडक्टिविटी और टीडीएस इस ऑटो रेंजिंग कंडक्टिविटी मीटर से हम मेजर करेंगे। तो चलते हैं इसके पहले बैक साइड पे, इसके बैक साइड को देखते हैं। ये जो है मेन पावर सप्लाई आई हुई है, ये लीड है पावर सप्लाई का, ये ऑन ऑफ स्विच है इसका, मेन स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ये फ्यूज है और ये कंडक्टिविटी सेल है आपका, और इसकी लीड आई हुई है यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल की लीड जो कंडक्टिविटी मीटर को दी गई है। यहाँ पे रिकॉर्डर का भी एक पॉइंट है, हम रिकॉर्डर से आउटपुट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये एक स्विच है जो कि टीडीएस के लिए प्रेस करना है तो टीडीएस बताएगा, अगर ये आउटसाइड होगा तो ये जो है कंडक्टिविटी बताएगा। तो और एक ये बटन भी है टेम्परेचर कोफिशियंट का, इसको हम टेम्परेचर कोफिशियंट भी सेट कर सकते हैं। 2 पे किया हुआ है इस समय। तो हम चलते हैं फ्रंट पैनल की तरफ। कंडक्टिविटी मीटर का ये फ्रंट पैनल है, ये आप देख रहे हो। इस साइड से चलते हैं, ये सेल कांस्टेंट के की वैल्यू जो है एडजस्ट करने के लिए, ये ऑटो स्विच दिया हुआ है, ये मैनुअल स्विच दिया हुआ है। और ये फ्रंट पैनल पे चलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए ये तीन एलईडी दी हुई है, तीन सिंबल दिए हुए हैं, माइक्रो मोह में, मिली मोह में और के में जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू ये शो करेगा। और टीडीएस के लिए ये जब आप प्रेस करोगे तो टीडीएस मोड में चला जाएगा और टीडीएस बताएगा जो सैंपल है या वाटर है जल का। तो इसके भी दिए हुए हैं इंटू वन, अगर यहां पे एलईडी ग्लो होती है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां पे होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिडीम होगी इन पीपीएम में होगी। तो पहले हम ये सेल कांस्टेंट देखते हैं। ये कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट 1 है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये सेल कांस्टेंट 1 प्लस माइनस 10%, यानी कि सेल कांस्टेंट 1 इसका है। और इस सेल कांस्टेंट को एडजस्ट करते हैं, अभी हम इसको प्रेस करते हैं और ये सेल कांस्टेंट इसका बता रहा है 0.995। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं 1 पे, तो हम कोशिश करते हैं। ये 1 सेल कांस्टेंट 1 आ गया। अब इसको हमने रिलीज कर दिया और अब हम सैंपल वाटर का कंडक्टिविटी चेक करते हैं। इसको डिप किया और ये ऑटो बटन को प्रेस करके रिलीज किया, ये सेल कांस्टेंट बताएगा, ये कंडक्टिविटी बताएगा 0.777 मिली मोह। ये जो है इस वाटर का कंडक्टिविटी है। अब हम दूसरे सैंपल का लेते हैं, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स है, तो इसको डिप करते हैं और ऑटो बटन प्रेस करके रिलीज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट करेगा, ये मिली मोह में आ गया है 0.868। ये जो है कंडक्टिविटी है मिली मोह में, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स है इस सैंपल में, इसकी ये वैल्यू है।
अब हम इस वाटर की टीडीएस मेजर करना है। जैसा कि हमने बताया, वाटर का या किसी भी सैंपल का टीडीएस करने के लिए हमको टीडीएस मोड में लाना होगा। तो हम इस बैक कवर पे चलते हैं, बैक से इसको प्रेस करेंगे, ये टीडीएस मोड में आ गया। और अब आप देखोगे ये टीडीएस मोड पे आ चुका है, टीडीएस यहाँ पे ग्लो हो रहा है। और अब हम इसका जो वाटर है उसका टीडीएस मेजर करते हैं। इसको हमने डिप किया, प्रेस किया ऑटो बटन, ऑटोमेटिकली ये रेंज सेलेक्ट करेगा। मिली मोह में नहीं है, ये इनटू 1000 है, क्योंकि ये टीडीएस हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए टीडीएस 0.519 इनटू 1000 यानी 519 पीपीएम, 519 पीपीएम वाटर की टीडीएस निकाल लिया, जो कि काफी ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ अपने एरिया में आरओ वाटर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स की वैल्यू ज्यादा है। और ये जो दूसरा सैंपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इसका हम मेजर करते हैं। इसको हमने डिप किया, ऑटो प्रेस किया और ये इसने अपने आप रेंज सेलेक्ट करेगा। मिली मोह में 0.574 मिली मोह यानी 575 टीडीएस है इस सैंपल का, क्योंकि इसमें कुछ पोटेशियम डाइक्रोमेट के एलिमेंट मिले हुए हैं, तो इसका टीडीएस ज्यादा आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। और इस तरह इस इक्विपमेंट से हम कंडक्टिविटी मीटर से कंडक्टिविटी और टीडीएस वाटर की निकाल सकते हैं, या किसी भी लिक्विड का निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।